हो रही है प्लास्टिक की बारिश, वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला खुलासा। इस वीडियो में हम आपको प्लास्टिक की रिसर्च से सामने आई एक रिपोर्ट के बारे में बताने वाले हैं। क्या आपने कभी प्लास्टिक की बारिश में देखा या सुना है? अगर नहीं तो अब सुन लीजिए। हाल ही में यूएस में हुई एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि अब प्लास्टिक के कणों की बारिश हो रही है। यह सर्वे यूएस जियोलॉजिकल सर्वे और यूएस इंटीरियर डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया है। वैज्ञानिक नंगी आंखों से प्लास्टिक नहीं देख सके, लेकिन माइक्रोस्कोप और डिजिटल कैमरे के जरिए उन्होंने बारिश में प्लास्टिक के कण भी शामिल पाए हैं। सर्वे में 90% सैंपल्स में प्लास्टिक के कण पाए गए हैं। ज़्यादातर प्लास्टिक फाइबर के रूप में थी। इसके अलावा यह रंग बिरंगी प्लास्टिक भी थी। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा प्लास्टिक बरामद हुई है। हालांकि समुद्र स्तर से 10,400 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी क्षेत्र के सैंपल्स में भी प्लास्टिक के कण पाए गए हैं। हालांकि यह साफ नहीं हो सका है कि यह प्लास्टिक कहां से आ रही है, लेकिन प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल पूरी दुनिया में एक गंभीर समस्या का रूप धारण कर चुका है। इस स्टडी के बाद से यह सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हमारी हवा, पानी और मिट्टी में कितनी भारी मात्रा में प्लास्टिक जमा हो चुकी है। वैज्ञानिकों ने इससे पहले भी बारिश में प्लास्टिक के सूक्ष्म कण का पता लगाया है। दक्षिणी फ्रांस में उन्होंने बारिश के साथ प्लास्टिक के कणों को भी गिरते देखा है। प्लास्टिक के ट्रिलियनों टुकड़े समुद्र में तैरते रहते हैं। एक अन्य स्टडी में पाया गया था कि लोग हर सप्ताह करीब 5 ग्राम प्लास्टिक खा रहे हैं, जो एक क्रेडिट कार्ड के वजन के बराबर है। सर्वे में शामिल शोधकर्ता विदरबी ने कहा, मुझे लगता है कि इस स्टडी में सबसे जरूरी बात यह सामने आई है कि हम जितनी प्लास्टिक देख सकते हैं उससे ज़्यादा प्लास्टिक हर जगह मौजूद है। यह बारिश में है, बर्फ में है और अब यह पर्यावरण का भी हिस्सा बन चुका है। पेन स्टेट बेहरेंड में माइक्रो प्लास्टिक रिसर्चर सीरी मैसन ने कहा, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान कूड़े का है। 90% प्लास्टिक कूड़ा रिसाइकल नहीं किया जाता है और यह धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में अपघटित हो जाता है। यहाँ तक कि जितनी बार आप कपड़े धुलते हैं उससे प्लास्टिक फाइबर्स टुकड़े निकल जाते हैं। प्लास्टिक कण कई सारे औद्योगिक प्रक्रियाओं के सह उत्पाद हैं। मैसन कहते हैं, आप इन छोटे छोटे टुकड़ों के सोर्स का पता लगा ही नहीं सकते। कोई भी चीज़ जो प्लास्टिक से बनी है उससे वातावरण में प्लास्टिक के कण उत्सर्जित हो रहे हैं। इसके बाद ये कण प्लास्टिक की बूंदों में शामिल हो रहे हैं और जब बारिश होती है तो ये प्लास्टिक के कण भी गिरते हैं। बारिश के बाद ये प्लास्टिक के कण नदियों, झीलों, समुद्रों और भूमिगत जल में भी शामिल हो जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया से प्लास्टिक का पूरी तरह से निस्तारण हो जाए? और अगर ऐसा हो सकता है तो इसमें कितना वक्त लगे? इस सवाल के जवाब में मैसन कहते हैं, अगर हम कोई जादू की छड़ी घुमा भी दें और प्लास्टिक का पूरे तरह से बंद हो जाए तब भी यह साफ नहीं है, क्योंकि नदियों में कितने लंबे समय तक प्लास्टिक का बहना जरूरी रहेगा। भूमिगत जल और नदियों में प्लास्टिक की मात्रा को देखते हुए इससे कम सदियाँ लग जाएंगी इसको ख़त्म करते हुए।